सॉरी, मैं भूल ही गया था कि आप लोग आए हुए हैं। बचपन से ही आर्ट का शौक था मुझे। जब से प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुआ मैं, पहली क्लास से ही मेरा ड्राइंग टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे मुझे से बनवाता था। मैं KME स्कूल में गया, वहाँ पर भी ड्राइंग टीचर हम ही से बनवाते थे। और आहिस्ते आहिस्ते कदम बढ़ते गए आर्ट की तरफ, मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। मैट्रिक के लिए आरी टाटा हाई स्कूल में मैं भर्ती हुआ। हाई स्कूल में वहाँ पर भी जब कभी भी कोई एग्जीबिशन होता या कोई वक्त ऐसा आता तो उसमें मेरी तस्वीरों को बहुत अच्छे प्राइज मिले। मैं टेलको में भर्ती हुआ एज एन अप्रेंटिस। वहाँ 3 साल की ट्रेनिंग थी और उन दिनों जर्मन कॉलोरेशन टाटा मर्सिडीज बेंज का जो ट्रेनिंग सेंटर था वहीं पे मैं भर्ती हुआ था। बहुत से जर्मन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। सीटिंग दे दे करके बहुत से लोगों ने मुझसे तस्वीरें बनवाई, बहुत पसंद की। तब तक मैं एक फेमस आर्टिस्ट बन चुका था। ये एक समझ लीजिए गॉड गिफ्ट थी मुझे। ट्रेनिंग लेने का तो कहीं चांस नहीं मिला। सिर्फ क्लास 7 में जब मैं था तो कुछ दिनों के लिए जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं गया था। तो वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर सेन गुप्ता से मेरा संबंध जीवन भर का हो गया। हालांकि मैं उस स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा, लेकिन बराबर मैं अपनी तस्वीरें उनके साथ हमारी मुलाकात हुआ करती थी। मैं तस्वीरें दिखाया करता था और वो मुझे गाइड किया करते थे। ये तो नॉर्मल पेंटिंग्स हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में। ये खास आर्ट है जिसको कहते हैं एनामोर्फोसिस, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पजल लगेगा आपको, समझ में नहीं आएगा कौन क्या बना हुआ है। तस्वीर का रिफ्लेक्शन जो है वही एक तस्वीर बनाया गया। इसे आप देखिए ध्यान से और आपकी समझ में आ जाएगा कि किसकी तस्वीर है ये। इसके अंदर आप देखिए तो आपको कल्पना चावला नजर आएंगी। एनामोर्फोसिस पेंटिंग एक खास तरीके का एक ये है जो बहुत कम लोग जानते हैं और इसी में मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। ये एनामोर्फोसिस आर्ट जो है मैंने शुरू कैसे किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेल्को में जब मैं 18 साल की उम्र में अप्रेंटिस था तो एक मर्सिडीज कार खड़ी थी, मैं उसके पास खड़ा था। उसके कुछ पार्ट्स आईने की तरह चमक रहे थे, उनमें हमारी शक्लें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही। उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा कुछ नहीं बनाया जा सकता है कि तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसी कुछ बनाए जो गोल आईने में सही दिखाई दे। तो मैंने कोशिश की, मेरे पास एक चाइनीज पेन था, पेन की कैप जो है वो क्रोम प्लेटिंग की हुई थी बिल्कुल आईने की तरह, उसको रख करके एक कार्ड के ऊपर मैंने पहली तस्वीर बनाई और
वो तस्वीर कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ क्या है, मगर पेन के अंदर, पेन की कैप के अंदर वो बिल्कुल सही तस्वीर दिखाई दे रही थी। वो वहीं से मैंने स्टार्ट किया और फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे। ऐसे सिलेंडर बना करके उसमें मैं तस्वीरें बनाने लगा। उसके बाद पोर्ट्रेट बनाया, सबसे पहला पोर्ट्रेट जे आर डी टाटा का जो मैंने बनाया, वो आज भी रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रखा हुआ है। जब मैंने जे आर डी टाटा की तस्वीर वहाँ दी रूसी मोदी सेंटर में, तो वहाँ के डीएम ने मुझे बताया कि इसे एनामोर्फोसिस कहते हैं और इसको, इसका इन्वेंशन हुआ था लियोनार्डो डा विंसी के द्वारा 16वीं शताब्दी में। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके ये बनाया था अपना पोर्ट्रेट। ब्लैंक कैनवस के ऊपर मैं सिलेंडर रख देता हूँ और उसके अंदर देख करके जजमेंट करता हूँ सिलेंडर के अंदर, और पेंटिंग होती है फ्री हैंड कैनवस। तो बाद में कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। खैर अच्छा ही हुआ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी ज़िंदगी का जो पूरा सिनेमा फिर से देख लिया मैंने, पुरानी यादों को ताज़ा कर लिया। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आते रहिए, मिलते रहिए। बहुत धन्यवाद।